जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं याह्या मुनव्वर ख़ान जो कि चेयरमैन हैं अल खिदमत ग्रुप शालम मार्केट के। आज हम उनके ऑफिस में हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो आज निज़ाम टीवी को अपना क्या पैगाम देते हैं। जी सबसे पहले तो मैं निज़ाम टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, और सबसे जो अच्छी बात आज की है वो ये है कि उमर जवेद भट्ट साहब जो कि रंगमहल मार्केट के सदर हैं, उनको चैम्बर की तरफ से स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप दी गई है। हम चैम्बर के प्रेसिडेंट के बहुत मशहूर हैं कि फ़र्स्ट टाइम चैम्बर ने सही नुमाइंदों का इंतखाब किया है, और हमारे एक ऐसे दोस्त को भाई को स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया है जो कि वाकई ताजों की खिदमत के लिए पेश पेश है। हम चाहते हैं कि उमर जवेद भट्ट और सदर चैम्बर, उन दोनों को लायक तहसीन है, और शाला मार्केट उनका शुक्रिया अदा करती है, और हम उमर जवेद भट्ट को अपने पूरे भरपूर तावन का यकीन दिलाते हैं, और एक कॉल पे उनकी जहाँ भी कहेंगे सब ताजर हाजिर हैं। उनके साथ साथ आप आए हुए हैं तो आपकी वसातत से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शाला मार्केट इस वक्त बिल्कुल लावारिस मार्केट बनी हुई है। हम चाहेंगे कि उमर जवेद भट्ट साहब शाला मार्केट के मसाइल को भरपूर तरीके से आगे लेके आएँ, और उस तमाम हुकूमती महकमों में जिनकी जहाँ पर ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल हैं, लेस्को के मसाइल हैं, उनको वो हल करवाएँ। ख़ास तौर पर लेस्को के ये जो बिजली के लटकते हुए तार हैं, जिससे एक बहुत बड़ा सानिया फीस सेंटर में हो चुका है, और शालम में तो ऐसे बेशुमार प्लाजे हैं जिसके बाहर इस तरह के तार लटक रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शालम मार्केट के मसाइल पर तवज्जो दी जाए, और उमर जवेद भट्ट साहब इसके लिए अपनी भरपूर कोशिशें अदा करें। आपने बिल्कुल सही कहा याजा भाई, जैसे कि हफीज़ सेंटर में एक सानिया हुआ, वहाँ पर तो रोड भी खुले थे, वहाँ पर तो रसाई हो गई थी 1122 की। अगर शाल में खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो जाए, यहाँ पर तो गाड़ियों को आना भी बड़ा मुश्किल हो जाए, जिस तरीके से आपने ये कहा। सर ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, यहाँ पे बहुत बड़ा अलमिया है, यहाँ पर जितनी रेजिडेंसी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं, सब गलियों में कमर्शियल प्लाजे बन चुके हैं, और वो कसीदुल मंजिला प्लाजे हैं, किसी भी नक्शों के बगैर, किसी भी चीज़ों के बगैर बने हुए हैं। उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई सिक्योरिटी मैयस नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक तो उनके हिफाजत के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग की जाए, यहाँ पे रेस्क्यू का अमला तैनात किया जाए, यहाँ पे शालम में फवादा चौक है, वहाँ पे बकायदा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है, रंगमहल चौक से लेके शालम मार्केट चौक तक एक भी मेडिकल सेंटर नहीं है गवर्नमेंट का जिसमें कोई जाके दिखा सके, और ख़ुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी होती है तो ट्रैफिक का इतना रश है कि लोग हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते। यहाँ पे एक लेडी विलिंगटन रेड क्रॉस का हॉस्पिटल था तो जो कि बंद पड़ा हुआ है, कमर्शियली उसको यूज़ किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल एक्टिव हॉस्पिटल था, लेकिन उसको अब पैसों की मशीन बना दिया गया हुआ है, उसके गोदाम, उसके कमरे, हर चीज़ किराए पर दे दी गई है। तो अथॉरिटी से ये भी नहीं समझ आ रही, क्योंकि रेड क्रॉस एक ऐसा महकमा है जो कि खिदमत का महकमा है, और सारी दुनिया में रेड क्रॉस के ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फ्री काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको रीओपन किया जाए, इसको रीऑर्गेनाइज़ किया जाए। इब्रारुल हक साहब से हम दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि आजकल चेयरमैनशिप उनके पास है, कि वो किसी दिन विज़िट करें और देखें। मार्केट भी उनके साथ भरपूर तावन करेगी, जो मशीनरी जो चीज़ें लगेंगी हम लोग खुद लेके देंगे। यूनस मोबाइल होल सेल डीलर, ऑल मोबाइल ब्रांड्स अवेलेबल, 25 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट, एड्रेस 29 मेन हॉल रोड लाहौर, फोन 04237244485। कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा, पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर, फोन नंबर 9242373148।